करण जौहर और क्रिकेटर, ये दोनों नाम सुनते ही हमें पता है आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, कॉफी विद करण और हार्दिक पंड्या की कंट्रोवर्सी। लेकिन इस बार मामला वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के सिलेक्शन से जुड़ा है। शॉकिंग है बट खबर है कि करण जौहर की वजह से एक क्रिकेटर को टीम इंडिया में जगह मिल गई है। 30 मई से शुरू होने जा रहे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। सिलेक्ट हुए क्रिकेटर्स में तमिलनाडु के 28 साल के ऑलराउंडर विजय शंकर का नाम भी सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। विजय शंकर ने जनवरी में वनडे में डेब्यू किया था और 3 महीने के अंदर ही सिलेक्टर्स ने उन्हें वर्ल्ड कप टीम में जगह दे दी है। सबको पता है कि वर्ल्ड कप टीम में जगह पाना किसी भी क्रिकेटर के लिए सपना होता है, और भाई क्रिकेटर विजय शंकर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उनकी कड़ी मेहनत तो इसके पीछे है ही, साथ ही करण जौहर का भी इसमें बड़ा हाथ है। आपको याद होगा कि कॉफी विद करण के एक एपिसोड में आए हार्दिक पंड्या और केएल राहुल ने जब महिलाओं पर विवादित टिप्पणी की थी, तब सोशल मीडिया पर इसको लेकर चारों तरफ हंगामा हुआ था और दोनों को काफी ट्रोल किया गया था। इतना ही नहीं, बीसीसीआई ने दोनों पर बैन भी लगा दिया था, जिसके चलते पांड्या की जगह टीम में विजय शंकर को ले लिया गया था। और न्यूजीलैंड दौरे पर विजय शंकर ने अपनी बैटिंग से कमाल की पारी भी खेली और फिर वर्ल्ड कप में अपनी जगह भी पक्की कर ली, जिसके चलते कहा जा रहा है कि कॉफी विद करण में हार्दिक पंड्या की गलती से विजय शंकर को फायदा हुआ है और श्रेय का कारण करण जौहर बनते हैं। खैर, इस स्टोरी पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।